अभी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट, सॉरी। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर ही देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। अभी मेरी स्टार्टिंग हो रही है दिन की, ब्रेकफास्ट अभी जस्ट हुआ है और मेरी तबीयत कुछ दो दिनों से ख़राब चल रही है। इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी तो मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई। मुझे एक्चुअली हो रहा है चेस्ट में पेन, सो कैमरा उठाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी इसलिए। और अभी भी कैमरा चिकू ने पकड़ रखा है क्योंकि मुझे दर्द है, कंटिन्यूसली दर्द है। अब ये दर्द क्यों है वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। अगर आप में से किसी को भी ऐसा दर्द कभी भी हुआ है और सही कैसे हुआ है ये मुझे बताओ तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। अभी जस्ट खाना खाया है और खाना मैं खा ही नहीं पाई हूँ, सिर्फ एक रोटी खा पाई हूँ। क्या पता क्यों दर्द हो रहा है मुझे इतना, चलने वगैरह में सब में प्रॉब्लम हो रही है, ना झुक पा रही हूँ ना खड़ी हो पा रही हूँ सही से। मेरी हालत भी आप देख सकते हो कैसी हो गई है। क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़ी मुश्किल से व्लॉग भी कर पा रही हूँ, कल तो मैंने किया ही नहीं था, कल आपके पास मेरा कोई व्लॉग आया ही नहीं था। डॉक्टर को भी बताऊँ क्या बताऊँ डॉक्टर को। अभी हो गई हूँ मैं रेडी, जैसे कि कम दिख रही होंगी बीमार क्योंकि हुई हूँ थोड़ी सी रेडी, क्योंकि जितना अपन अच्छा रेडी होके रहते हैं उतना हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और एनर्जेटिक फील करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है क्योंकि अगर थोड़ी रेडी हो गई तो तबीयत भी सही हो जाती है। तो इसी के लिए हम जा रहे हैं थोड़े से बाहर, ले चलते आपको हम कहाँ जा रहे हैं दिखाएंगे। पहले से बताने में मज़ा नहीं आता है मुझे, मैं हमेशा लास्ट टाइम पे ही बोलती हूँ आपको, तो चलिए चलते हैं। अभी आए थे हम नाना के घर और जैसे कि आपने देखा होगा थोड़ी बहुत क्लिप जो भी हमने शूट कर पाए, मंदिर गए थे फिर थोड़ी देर नाना के घर भी गए, अच्छा लगा बहुत। अभी हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए, तो घर जाके आपसे मिलते हैं। Oh,
आगे लाइट के आगे जा। एक मिनट मेरा फोन आ रहा है, पकड़ो पकड़ो। अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लेट हो गए थे तो हमने सोचा क्यों ना खाना खा के ही जाते हैं। घर पे जाके अब कौन बनाएगा, मम्मी और दोनों हैं, थक भी गए। कल वजन है तो जैसे ही खाना आता है वैसे हम आपको बताते हैं खाने में क्या मंगवाया है। हमने खाना खा लिया है और वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, यानी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। आपको शायद थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि मैं ये शूट कर रही हूँ गोप्रो से, ठीक है। चलो अब घर चलते हैं, घर पे। बिल्कुल आप देख सकते हो मैं आ गई हूँ सीधी घर पे। कुछ भी होटल में भी कुछ शूट नहीं कर पाई और आज पूरे दिन में कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह से थी मेरी तबीयत ख़राब, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, और मेरा मूड कम था ब्लॉग करने का। पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरा अच्छा टाइम आपको बताती हूँ, तो मेरे साथ जो भी बीत रही है वो भी मैं आपको बताऊँ। तो इसी के लिए आज हम गए थे, यानी हम दर्शन करने के लिए गए थे मैं नाना के घर पाडली। फिर नाना से मिले और बहुत सारी बातें की, मिले, बहुत मज़ा भी आया। और वहाँ से जुड़ी सारी मेरी जो भी पुरानी यादें हैं वो वापस यानी रिमाइंड हुई। वो आपको मैं कभी स्पेशल जाऊँगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी कंप्लीट कि कहाँ क्या होता था वगैरह सब, जो मेरी बचपन की जुड़ी बातें हैं वो। और फिर हम लोग आए डूंगरपुर, फिर डूंगरपुर में की हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि मेरी एक फ्रेंड का ही यानी सुपरमार्केट खुला है वहाँ पर ही हमने शॉपिंग की, अच्छा था काफ़ी, होम टाउन करके नाम था उसका। और फिर हम सीधे आए घर पे, सीधे कहाँ पर, बीच में खाना खाया ना, नहीं मेरी भी तबीयत इतनी सही नहीं थी और थक भी गए थे, तो क्यों ना खाना खा लिया जाए, तो बीच में खाना खा लिया। फिर आ गए हैं अभी घर और अब करूँगी मैं फेस वॉश, जैसे कि मैंने नहा तो लिया ही है, नहा लिया है और अब करूँगी फेस वॉश और मेरी नाइट क्रीम लगाऊंगी और फिर देखूँगी मैं मेरा सीरियल जो कि 2 दिन का ड्यू हो गया है, क्योंकि हमने कल मूवी देखी थी हंगामा 2। ठीक थी, कॉमेडी थी पर इतनी मज़ेदार नहीं थी। तो भी देखूँगी सीरियल, बताऊँगी कौन सा मैं सीरियल देखती हूँ रोज। जब आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो ना वैसे मुझे भी आदत है सीरियल देखने की, तो कौन सा देखती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि अभी हो रही है मेरी नाइट रूटीन स्टार्ट, फेस वॉश हो गया, नाइट क्रीम लग गई और अभी मैं देख रही हूँ, एयरपॉड्स लगा दिए हैं और अभी मैं देख रही हूँ निखिल का व्लॉग, मुंबई का निखिल, मेरा फेवरेट यूट्यूबर है वो। यानी मेरी नाइट रूटीन में ये फिक्स है कि मैं रात को, सुबह टाइम नहीं मिलता है तो मैं रात को इसका व्लॉग देखती हूँ और फिर मैं देखूँगी मेरा फेवरेट सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, जो कि उसका अभी 3rd सीज़न आ रहा है, 2 सीज़न मैंने देख लिए थे और अभी उसका 3rd सीज़न आ रहा है, वो भी देखूँगी। अभी मैंने ये ऑलमोस्ट डन कर लिया, ये वाला व्लॉग तो कम्प्लीट होने आ गया। मेरे को इसका व्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी ये सच में दोनों मुझे इतने अच्छे लगते हैं। कब से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, 3 साल हो गए इसको फॉलो कर रही हूँ, लगभग 3 साल से भी ज़्यादा, और रेगुलर इसके व्लॉग्स देखती हूँ। और वो जब खुश होता है तब, यानी मैं और चिकू दोनों ही देखते हैं इसके व्लॉग, वो जब खुश होता है तब हम खुश होते हैं, वो जब दुखी होता है हम दुखी होते हैं, कुछ सेम ही हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है। जैसे आपका मेरा जो थोड़ा बहुत अटैचमेंट होगा वही चीज़ मेरी अब इन लोगों से हो गई है। अब इनकी लाइफ में कुछ भी हैप्पीनेस आती है तो हम भी खुश हो जाते हैं, यार अच्छा है, मेरी फेवरेट सेलेब्स हो गए ना ये तो, इसलिए। तो चलो इसी के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड, मैं कर रही हूँ निखिल के व्लॉग को एंजॉय, आप करो मेरे व्लॉग को एंजॉय, कर लिया होगा अभी तो फाइनली मैं एंड कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आज तो मैं कुछ ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाई हूँ, आपने भी देखा है मेरी तबीयत अभी थोड़ी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो चलिए अब कल के व्लॉग में मिलते हैं, कल मैं अच्छे से व्लॉग कर पाऊँ आई होप। ओके बाय।